यूट्यूबर अरमान मलिक से इस टाइम पर लोग नाराज हैं। एक तो नाराजगी की वजह ये है कि हाल ही में अरमान मलिक पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। वंशिका नाम की लड़की जो कि अरमान मलिक को अपना चाचा बोलती है, उस लड़की ने अरमान पर बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। वंशिका नाम की इस लड़की का कहना है कि उसे नशा कराकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और इसके साथ ही उसे बहुत बार गलत तरीके से छुआ है अरमान मलिक ने। इस लड़की का एक वायरल ऑडियो है जो इस टाइम पर फैंस को काफी हैरान कर रहा है, क्योंकि ये लड़की इस ऑडियो क्लिप के अंदर पूरी बातें बताती नजर आ रही है कि किस तरीके से वो अरमान मलिक के घर में गई थी और कई बार जाती थी और अरमान मलिक ने उसे कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की और इन पूरे मामलों में पायल और कृतिका हमेशा उसके साथ रही। अब इस लड़की के एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो ये लड़की ही बता सकती है। फिल्मी बीट इस बात को कोई कंफर्म नहीं करता है। ये वायरल ऑडियो के बेस पर ही हमने आपको बताया है कि वंशी के नाम की लड़की है जिसने अरमान पर ये बड़े आरोप लगाए हैं। इसी बीच अरमान मलिक ने व्लॉग डालना बंद कर दिया है और इसी वजह से फैंस काफी परेशान हो गए हैं। अरमान मलिक ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो तो डाला पायल के साथ और इस वीडियो पर लोग बार बार सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे थे, आखिर अरमान मलिक ने व्लॉगिंग क्यों बंद की है, ये सबके जहन में बड़ा सवाल है। हालांकि अरमान मलिक ने अभी तक इन सब खबरों पर, इन सब कॉमेंट्स पर कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फैंस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरमान मलिक पर जो बड़े एलिगेशंस हैं उन्हीं की वजह से अरमान ने व्लॉग डालना बंद कर दिया है। बात करें उनके केस की तो इससे पहले भी एक 11 साल की लड़की ने उन पर रेप का आरोप लगाया था जिसकी FIR की कॉपी भी बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अरमान मलिक के जानने वाले ने बकायदा अपना एक वीडियो शेयर कर ये FIR की कॉपी दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से 11 साल की लड़की के साथ अरमान ने रेप किया है। अब अरमान जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन चुके हैं, ऐसे में अरमान पर कई सारे आरोप जो है वो लगते आए हैं। ऐसे में अरमान मलिक ने रेप के आरोपों पर तो अपना रिएक्शन दिया था कि वो बेगुनाह है और कोर्ट जो भी फैसला करेंगी वो सबके सामने होगा, लेकिन इस बीच अरमान मलिक हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते रहे, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। और हाल ही में पायल और कृतिका के अलावा अरमान की एक और बीवी है जिसका नाम सुमित्रा है, उसके बारे में भी रिवील हुआ था। अब ले दे के ये कह सकते हैं कि अरमान मलिक की जो इमेज है सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है, लेकिन अरमान को प्यार करने वाले जो लोग हैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है कि अरमान मलिक आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वंशिका नाम की लड़की जो अरमान को चाचा बोलती थी, आखिर वो किस तरीके से इतना बड़ा आरोप अरमान पर लगा सकती है? अरमान पर इस लड़की ने जिस तरीके से बड़े एलिगेशंस लगाए हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।